ये घटना मेरे साथ कुछ हफ्तों पहले हुई थी। मैं अपने स्कूल से अपने घर वापस आ रहा था। उस दिन काफी लेट हो गया था मुझे, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे क्लास में रोक के रखा हुआ था क्योंकि मैंने अपना एसे कंप्लीट नहीं किया था, और उन्होंने मुझे तभी छुट्टी दी जब मैंने अपना एसे कंप्लीट किया। इस चीज की वजह से मुझे शाम के 8 बज गए थे। उस समय जब मैं अपने घर पे लौट रहा था तब काफी अच्छा सनसेट भी हो रहा था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मैंने कुछ फील किया। मैंने नोटिस किया कि मेरे पीछे एक 2016 टोयोटा कैमरी मेरा पीछा कर रही थी, जो कि रेड कलर की थी। इससे मुझे गूजबम्स आ गए। मैंने जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाई और एक ऐसी रोड पे चला गया जिस पे थोड़े बहुत लोग हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा सेफ फील करना चाहता था। लेकिन वो कार ड्राइवर मेरे आगे आ गया। उसके अंदर दो आदमी बैठे थे और एक ने मुझसे कहा कि वो मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देगा, लेकिन मैंने उसको नो थैंक्स कहा और उसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो कार अभी भी मुझे फॉलो कर रही थी। उसके बाद मैं पैनिक हो गया और मैं वहां से भागने लगा। तभी अचानक से मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे कि मेरे पेट से कोई गोली आर पार हो गई हो और मैं जमीन में गिर गया। मैं हिम्मत करके उठना चाह रहा था, लेकिन जब मैं उठ रहा था तभी उस आदमी ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे कस के पकड़ लिया। मुझे मेरे कमर पे गोली लगी थी और उससे वहां से खून भी निकल रहा था। तभी दूसरा बंदा वहां पे आया और उसने मेरे पॉकेट्स चेक किए और मेरा फोन वहां पर फेंक दिया, और उसके बाद मुझे टेप से बांध दिया गया और उस गाड़ी की डिक्की में रख दिया गया। फिर वो कार चलने लगी। कुछ 30 मिनट तक वो कार चल रही थी कि तभी वो एक स्टॉप पे जाके रुकी। आवाज सुनकर ये मैं बता सकता था कि वो दोनों आदमी कार से बाहर निकले, और तभी मैंने एक पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनी जो कि उन्हें कह रहे थे कि वो मेरी कार को चेक करेंगे। लेकिन तभी मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, वो वही दो आदमी थे, और फिर मैंने सुने कुछ गन शॉट्स और उन्होंने एक कॉप को मार भी दिया था। और तभी दूसरा कॉप चिल्लाने लगा उन लोगों को और वो कहने लगा, अपने घुटनों पर बैठो, बैठो अपने घुटनों पर, जल्दी बैठो। तभी एक ऑफिसर ने उस डिक्की को खोला और मुझ पे गोलियां चलाने लगा। उसे लगा कि उस डिक्की में उन दोनों आदमियों का कोई साथी होगा, लेकिन बाय गॉड वो सारी की सारी गोलियां मिस हो गई। और तभी उस ऑफिसर को समझ में आया कि मुझे भी किडनैप किया गया था। उसने जल्दी से बैकअप बुला लिया और एम्बुलेंस को भी बुला लिया। मैंने चैन की सांस ली और तभी वो सारी एम्बुलेंस आ गई। मुझे भी एक एम्बुलेंस पर रखा गया और उसके बाद मुझे होश आया जब मैं हॉस्पिटल में था। मीडिया में भी वो न्यूज़ आ रही थी कि कैसे उन दोनों आदमियों ने कितनी बुरी तरीके से एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया। मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि क्या वो दोनों जेल में होंगे, या फिर वो जिंदा होंगे, या फिर वो मर चुके होंगे। लेकिन मैं अभी भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि क्या होता अगर उस दिन पुलिस ऑफिसर्स ने वो कार को वहाँ पर रोका नहीं होता।